और आज भूपेश बघेल सूरजपुर और कोरिया को सौगात दे रहे हैं। मुख्यमंत्री क्या कुछ कह रहे हैं ये सुनते हैं। रोजगार की आवश्यकता है, इसके माध्यम से पर्याप्त लाभ मिल रहा है, इसके लिए बहुत बहुत जहाँ गोबर बेचने वाले फायदा हुआ, जहाँ वर्मी कंपोस्ट बनाकर लोग महिलाओं को रोजगार मिला और वहीं वर्मी कंपोस्ट उपयोग करके किसानों की खेती में सुधार हो रहा है, वहीं डेयरी उद्योग को भी इससे बढ़ावा मिलेगा, ये बड़ी बात है। जी सर, जी सर, बहुत सारे किसान डेयरी की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। जी जी, खूब बधाई साहब जी। जी धन्यवाद सर। इसके पश्चात गोधन न्याय योजना से लाभान्वित पशुपालक श्री शिवचरण, जिन्होंने 48,672 रुपए के का गोबर विक्रय किया है। श्री शिवचरण जी, माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं प्रणाम करता हूं। जी शिवचरण जी प्रणाम। मेरा नाम शिवचरण है, ग्राम पंचायत कुसहा का मूल निवासी हूं। जी, गोधन न्याय योजना के अंतर्गत 49,000 रुपए का गोबर बेचा, जिसमें 2 गाय लिया हूँ, 1 बाइक किस्त में लिया हूँ सर, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बधाई। अच्छा ये बताइए कितने जानवर हैं आपके पास? 5 हैं सर। 5, तो इतने गोबर कहाँ से इकट्ठा हो गया सर? और वहाँ से बिन लेते हैं सर। गांव से इकट्ठा करते हो? जी। दूसरे से खरीदते हो? नहीं सर, दूसरे से नहीं, घर में हो जाता है। 30-35 किलो सर, बाकी 10-15 किलोमीटर किलो इधर उधर से बिन लेते हैं सर, हो जाता है 50। खूब बधाई। तो बहू के लिए कुछ खरीदे? जी सर खरीदेंगे सर, वही तो धीरे धीरे अभी शुरुआत हुई है। ठीक है, खूब बधाई। इसके पश्चात गोठान में वर्मी कंपोस्ट का उत्पादन कर रहे जय बजरंग स्व सहायता समूह के अध्यक्ष श्रीमती प्रतिभा बाई, जिन्होंने 168 क्विंटल वर्मी खाद एवं 350 किलोग्राम केचुआ बेचकर 1,15,000 रुपए की आय अर्जित की है। श्रीमती प्रतिभा राजवाड़े। माननीय मुख्यमंत्री जी को मेरा जय बिहान। मेरा नाम प्रतिभा राजवाड़े, गांव ग्राम पंचायत पुसला, और हमारे समूह का नाम है जय बजरंग महिला स्वयं सहायता समूह की अध्यक्ष हूँ। और हमारे समूह द्वारा वर्मी खाद का उत्पादन किया जा रहा है, जिसमें 168 क्विंटल खाद उत्पादन किए, उसमें से 63,000 नगद राशि प्राप्त हुआ। और हमारे द्वारा 350 किलो केचुआ बेचे, उसमें से 52,000 नगद राशि प्राप्त हुआ। माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद। कितने समूह में आपके बजरंग समूह कितने सदस्य हैं? 10। 10 लोग हैं? जी सर। और ये वर्मी कंपोस्ट कितने दिन में बनाए आप लोग? कितने महीने लगा? जुलाई से चालू किए सर, जब वो चीज गोबर खरीदी हुआ ना, इसके बाद हम लोग चालू किए। इसके बाद 1.5-2 महीना में चालू हुआ, तो मतलब बनाते गए और वर्मी खाद का विक्रय करते गए बाड़ी विकास में और इधर गांव में भी। अच्छा, बाड़ी भी लगाए हैं आप लोग? जी सर। कितने एकड़ में बाड़ी है? बाड़ी तो ज्यादा नहीं है सर, पर है अपना घर के लिए, घर के लिए थोड़ा मोड़ा बेचते भी हैं। जी अच्छा, घर उपयोग में हो जाता है। और किससे लाभ हुआ आपको, पूरे समूह को? जी सर। जी, खूब बधाई आपको, बहुत बधाई। धन्यवाद, धन्यवाद सर। इसके पश्चात गोठान मल्टी यूटिलिटी सेंटर में फ्लाई एश ब्रिक निर्माण कर रहे दुर्गा महिला स्व सहायता समूह, जिन्होंने 80,000 फ्लाई एश ईंट बेचकर 2,40,000 रुपए की आय अर्जित की है। श्रीमती मंजू राजवाड़े। माननीय मुख्यमंत्री जी को मेरा जय बिहान। जय बिहान। मेरा नाम मंजू राजवाड़े, ग्राम पंचायत घोगरा से हूँ। मेरे समूह का नाम दुर्गा महिला स्व सहायता समूह, उसकी मैं सचिव हूँ। सर, आप ही के द्वारा मल्टीविटी सेंटर का दिसंबर में उद्घाटन किया गया था, इसके पश्चात हम लोगों ने मल्टीविटी सेंटर में ईंट बनाने का कार्य कर रहे हैं, जिसमें से हम लोगों को 2,00,000 रुपये 2,00,000 का ईंट बेच चुके हैं और हम लोगों ने 1,25,000 रुपये हम लोगों को प्राप्त हो चुका है, जो कि
मल्टीविटी सेंटर में बहुत सारे ऐसे कार्य किए जा रहे हैं, जैसे स्लीपर मैगिंग का कार्य किया जा रहा है, बर्मी कंपोस्ट का कार्य किया जा रहा है और कृषि उपकरण का कार्य किया जा रहा है। इसके पश्चात हम लोगों ने ई रिक्शा का चालक का काम कर रहे हैं, जिसमें से हम लोगों को बहुत आय प्राप्त हो रहा है और हम लोग अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं। बहुत बधाई आपको। सर आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। सर हमारे समूह की तरफ से हम आपका कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। बहुत बहुत बधाई, इसी प्रकार से आगे बढ़ते रहें और दूसरे लोगों को भी प्रेरित करिए। जी सर जी, थैंक यू। बिहान के तहत ट्री गार्ड निर्माण कर रहे एकता महिला सहायता समूह, जिन्होंने ट्री गार्ड निर्माण कर 12 लाख रुपए अर्जित किए हैं, श्रीमती हिना बेगम। माननीय मुख्यमंत्री जी को मेरा जय बिहान, जय जोहार। मेरा नाम हिना बेगम है, मैं ग्राम पंचायत पटना में रहती हूँ। मेरे समूह का नाम है एकता महिला स्वयं सहायता समूह, जिसमें मैं अध्यक्ष हूँ। लॉकडाउन की स्थिति के समय बहुत ही स्थिति खराब हो गई थी। उस समय हमें 2020 में मार्क्स बनाने का कार्य मिला, जो कि हमने 25,000 मार्क्स बनाए, जिसको हमने 3 लाख विक्रय किए, 1.5 लाख का हमको शुद्ध इनकम प्राप्त हुआ। उसी के तहत फिर हमें ट्री गार्ड का कार्य करने का मौका मिला। ट्री गार्ड का कार्य जब हम कर रहे थे, तब हमें 12 लाख का हमने विक्रय किया, जिसमें हमें 3 लाख का शुद्ध लाभ हुआ और प्रति व्यक्ति को 30,000 रुपए हमें मिला। और अभी भी हम ट्री गार्ड का कार्य अभी भी स्टार्ट कर दिए हैं, अभी हम ट्री गार्ड का निर्माण कर रहे हैं और आगे भी आपके द्वारा हम इतना कुछ करने को मिल रहा है, हम आपका बहुत तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। हमारे बिहान योजना, हमारे जो सर हैं, सभी बीपीएम डीपीएम सर, सभी सर लोग हमें बहुत सपोर्ट करते हैं, आगे बढ़ने का मौका देते हैं। उन सभी का मैं धन्यवाद करना चाहूंगी कि हमें बिहान योजना में जुड़कर इतने सारे लाभों का मौका मिला। खूब बधाई आपको। देखिए, पहले ट्री गार्ड स्टील का बनता था और उद्योगपति से बनाते थे। हमारी सरकार ने फैसला किया कि इसे हम अपने स्व सहायता समूह के माध्यम से बनाएंगे और उसके वन विभाग से हॉर्टिकल्चर में जहाँ जहाँ भी वृक्षारोपण वगैरह कर रहे हैं उसमें ट्री गार्ड लगाने का काम उसी से करेंगे और बांस का बनाएंगे, ताकि हमारे छत्तीसगढ़ में बांस भी है, बांस कटाई भी पैसा मिलता है और उसके बाद ट्री गार्ड बनाने का भी लोगों को रोजगार मिलता है, जिसका जीता जागता उदाहरण आप हैं, आपके समूह हैं, जिसको 3 लाख रुपए का आमदनी आपने प्राप्त किया, मास्क बना के भी आपने 1.25 लाख रुपए प्राप्त किया है। तो इस प्रकार से मैं समझता हूँ बहुत अच्छा काम आपके समूह ने किया है। और पैसा बैंक में जमा करके रखे, बंटवारा कर लिए हैं? नहीं सर, अभी पैसा आ चुका है तो अब फिर से काम कर रहे, तो उसी पैसे से फिर से काम को आगे बढ़ाएंगे। अच्छा, ठीक है, खूब बधाई आपको। जी सर, थैंक यू सर। इसके पश्चात बिहार के तहत फेंसिंग पोल निर्माण कर रहे महालक्ष्मी महिला स्व सहायता समूह, जिन्होंने 6,250 सीमेंट पोल विक्रय कर 11 लाख रुपए की राशि अर्जित की है, श्रीमती मुन्नी बाई। माननीय मुख्यमंत्री जी को मेरा जय जोहार। जय जोहार। सर मेरा नाम मुन्नी बाई राजवाड़े है, मैं ग्राम पोस्ट डुमरिया की रहने वाली हूँ। मेरे समूह का नाम महालक्ष्मी महिला स्व सहायता समूह है। हमारे समूह के द्वारा फेंसिंग पोल बनाया जाता है। हम लोग 2020 से यह कार्य चालू किए हैं, आज तक हम लोगों ने 6,050 फेंसिंग पोल बेच चुके हैं, उसमें से हमको शुद्ध राशि 3 लाख रुपए प्राप्त हो चुकी है। ये क्या फेंसिंग पोल हम लोग गौठान निर्माण और चारागाह निर्माण में देते हैं। तो बताइए आप समूह में आप लोग 10 है सर? 10 है। इससे फायदा हो रहा है आपको? जी सर। घर चलाने में सुविधा होती है इससे? जी सर, बहुत ज्यादा। तो आपके घर वाले इससे प्रसन्न है कि नाराज है? नहीं नहीं सर, प्रसन्न है। प्रसन्न है, चलिए खूब बधाई आपको। इसके पश्चात बैंक सखी कार्यक्रम से जुड़ी श्रीमती रनिया, जिन्होंने विगत एक वर्ष में 9,838 व्यक्तियों के साथ 2,18,30,000 रुपए का लेन देन किया है, श्रीमती रनिया आपसे मुखातिब है। माननीय मुख्यमंत्री जी को मेरा जय जोहार, जय भियान।
मेरा नाम रन्या चिरवा, मैं ब्लॉक सुनात के ग्राम पंचायत पौड़ी की रहने वाली हूँ। मेरे समूह का नाम साक्षर महिला स्वयं सहायता समूह ग्राम पंचायत पौड़ी, उसमें मैं अध्यक्ष हूँ। और विगत वर्ष जब पहला लॉकडाउन लगा तो मुझे बीसी का कार्य मिला और उस वर्ष मैंने कार्य को शुरू किया और अभी तक मैंने 2,18,30,000 का ट्रांजेक्शन किया 10,000 व्यक्तियों का, जिसमें मुझे 1,00,000 का कमीशन मिला। और उसमें मैंने मनरेगा भुगतान, पेंशन भुगतान घर घर जाकर किया, इससे मेरे आर्थिक स्थिति में सुधार आया। इसलिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को तहे दिल से हमारे समूह की तरफ से धन्यवाद करती हूँ। बहुत बहुत बधाई। देखिए, कोरोना काल में जहाँ लोगों के पास पैसा नहीं था और उस समय में ये योजना हम लोगों ने संचालित किया, उसका लाभ ये है कि जो पेंशनधारी है, मनरेगा के में काम करने वाले हमारे मजदूर साथी हैं, उन तक, उनके घर तक पैसा पहुंचा और उसके साथ साथ आपको भी आय का साधन आपका बना। बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। यही हमारी छत्तीसगढ़ की कल्पना, सरकार की कल्पना कि हर हाथ में काम होना चाहिए, सबको रोजगार मिलना चाहिए, सबके आय में वृद्धि होनी चाहिए। बहुत बहुत बधाई। इसके पश्चात किसान उत्पादक संगठन के संचालक श्री फयाज आलम, जिन्होंने एफपीओ के माध्यम से फूड एवं डेयरी प्रोसेसिंग बिजनेस संचालित कर खादी इंडिया, ट्राइब्स इंडिया, फ्लिपकार्ट जैसे प्लेटफॉर्म पर ऑनलाइन मार्केटिंग कर 41,00,000 रुपए का विगत एक वर्ष में आय प्राप्त की है। श्री फयाज आलम। माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी, प्रणाम। प्रणाम। मेरा नाम फयाज आलम है, मैं किसान उत्पादक संगठन कोरिया ग्रो प्रोड्यूसर कंपनी का संचालक हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे एफपीओ में 573 कृषक हैं, जिसमें 72% आदिवासी कृषक हैं। हम सभी एफपीओ के कृषक माननीय मुख्यमंत्री जी के आभारी हैं, जिनके कारण हमारे एफपीओ को डिस्टिलेशन यूनिट, दूध प्रसंस्करण यूनिट, दाल यूनिट, राइस मिल, ऑयल मिल हमको मिला है, जिससे हम लोग 20 से 25 उत्पाद तैयार कर रहे हैं। और हम इस उत्पाद को ट्राइफेड, हेल्थ बोर्ड, खादी ग्राम उद्योग, खादी इंडिया एवं फ्लिपकार्ट के माध्यम से बेच रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, सामूहिक बाड़ी से हमने हल्दी बीज, शकरकंद कटिंग, लेमन ग्रास स्लिप को कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से विक्रय किया है। विगत वर्ष कोरोना काल में भी हमारा टर्नओवर 41,00,000 रुपए का रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी, इस वर्ष हम कृषकों ने 1.5 से 2 करोड़ रुपए का टर्नओवर करने का लक्ष्य रखा है। माननीय मुख्यमंत्री जी से हम कृषक कल्याणकारी योजनाओं के लिए कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। और मैं आज इस मंच से माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद देता हूं, जो मुझे आपसे बात करने का मौका मिला। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आयाज भाई। प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय श्री भूपेश बघेल जी से विभागीय योजनाओं के हितग्राहियों ने संवाद किया। अब वक्त है उद्बोधन का। उद्बोधन की कड़ी में वर्चुअली मंचस्थ मनेंद्रगढ़ विधानसभा क्षेत्र के माननीय विधायक डॉक्टर विनय जायसवाल जी से मैं अनुरोध करूंगा कि वे इस अवसर पर अपना उद्बोधन देने का कष्ट करें। बोले तो आज बहुत ही गरमामय कार्यक्रम कोरिया जिले के तीनों विधानसभा के विभिन्न विकास कार्य के लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम में उपस्थित हम सब के मार्गदर्शक, हमारे प्रदेश के मुखिया माननीय यशस्वी भूपेश बघेल जी, बहुत ही आदरणीय हम आज के इस कार्यक्रम के अध्यक्षता कर रहे हैं, हमारे विधानसभा के माननीय अध्यक्ष श्री चरणदास महंत जी, बहुत ही हमारे सम्माननीय जिले के प्रभारी मंत्री डहरिया जी, उपस्थित माननीय मंत्री चौबे जी, माननीय मंत्री टेकाम जी, उपस्थित हमारे विधायक साथी, उपस्थित सभी कोरिया जिले के जितने भी हितग्राही वहां बैठे हुए हैं, सभी योजनाओं का लाभ उठाने वाले और
तो सूरजपुर और कोरिया को बड़ी सौगात यहां पर मिल रही है, वापस से सीपा लौटेंगे। लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर मिल रही है, जवानों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ के दौरान 6 नक्सलियों को जवानों ने ढेर कर दिया है। मारे गए नक्सलियों में एक महिला नक्सली भी शामिल है। सभी नक्सलियों के शव बरामद किए गए हैं। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में ये मुठभेड़ हुई है। विशाखापट्टनम के थगाल मेट्टा के जंगल में मुठभेड़ हुई है। मौके से भारी मात्रा में विस्फोटक भी बरामद हुए हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 6 नक्सलियों को जवानों ने ढेर कर दिया है। बड़ी कामयाबी है जहां जवानों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़, और मुठभेड़ के दौरान 6 नक्सलियों को जवानों ने मार गिराया है। मारे गए नक्सलियों में एक महिला नक्सली भी शामिल है। सभी नक्सलियों के शव बरामद किए गए हैं। इसके अलावा कुछ सामान भी वहां से बरामद हुआ है। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में ये मुठभेड़ हुई है, जहां पर बड़ी सफलता जवानों के हाथ लगी है। मौके से भारी मात्रा में विस्फोटक भी बरामद किए गए हैं। जवानों के लिए बड़ी कामयाबी, जहां जवानों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़, जिसमें 6 नक्सलियों को जवानों ने ढेर कर दिया है। मारे गए नक्सलियों में एक महिला नक्सली भी शामिल बताई जा रही है। सभी नक्सलियों के शव बरामद कर लिए गए हैं। इसके अलावा मौके से विस्फोटक सामग्री भी बरामद हुई है। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम के पास ये पूरी घटना हुई, जहां जवानों और नक्सलियों की मुठभेड़, जिसमें कि 6 नक्सलियों को जवानों ने ढेर कर दिया है। बहरहाल सभी नक्सलियों के शव बरामद कर लिए गए हैं। इसके साथ साथ विस्फोटक सामग्री को भी बरामद किया गया है। जगदलपुर से एक खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर मुठभेड़ हुई है जवानों और नक्सलियों के बीच, जिसमें कि 6 नक्सलियों के मारे जाने की खबर सामने आई है। सभी नक्सलियों के शव भी बरामद हो गए हैं। नक्सलियों में से एक महिला नक्सली भी बताई जा रही है। मौके से भारी मात्रा में विस्फोटक भी बरामद किए गए हैं। 6 नक्सलियों को जवानों ने ढेर कर दिया है। और सूरजपुर और कोरिया को आज बड़ी सौगात भूपेश बघेल दे रहे हैं। सीधे कार्यक्रम का रुख करते हैं। आपको अपने मुखिया के रूप में देखना चाहती है, मुझे पूरा विश्वास है कि आप कम से कम 20 साल हम लोगों को अपना नेतृत्व देंगे, जिससे हम लगातार विकास के मार्ग में आगे बढ़ेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी, बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगा, आपने हमारे चिरमिरी को एडवेंचर पार्क की सौगात दिए थे, घोषणा किए थे, थोड़ा सा उसमें अधिकारियों को निर्देश दे दें कि उस काम में थोड़ा तेजी लेके आएंगे। और इंग्लिश मीडियम स्कूल जब पूरे जिले में एक एक देने की बात हुई थी, आपसे मैंने निवेदन किया कि चिरमिरी में प्रोजेक्ट के इंग्लिश मीडियम स्कूल है, वहाँ के जो गरीब बच्चे हैं चिरमिरी के और वहाँ के आसपास के जो गांव के जो बच्चे हैं, उनको पढ़ाई में बड़ी असुविधा होती है। आपने एक बार में बहुत ही शानदार जो इंग्लिश माध्यम स्कूल वहाँ आत्मानंद स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल का जब जाके आपने लोकार्पण किया, निश्चित रूप से चिरमिरी की जनता बहुत कोटि कोटि आपको इसके लिए धन्यवाद देती है। मैं एक कोरिया खास करके दो विधानसभा की बात करूं, अपने भरतपुर सोनहत और मणिगढ़ की बात करूं, मणिगढ़ विधानसभा की बात करूं, तो एक बहुत पुरानी मांग है लोगों के, बहुत दिल में बसा हुआ मांग है कि वहां एक जिले की आप सौगात दे देंगे, मणिगढ़ चिमरी को एक जिले की सौगात दे देंगे, तो इसके लिए भी हम लोग आपके लिए बहुत कोटि कोटि आभारी रहेंगे, बहुत आपको धन्यवाद देंगे। आपने इस कार्यक्रम में जो सौगात दी, इसके लिए पुनः धन्यवाद करते हुए अपने वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। उद्बोधन की श्रृंखला की अगली कड़ी में अनुरोध माननीय श्रीमती अंबिका सिंह देव, विधायक बैकुंठपुर एवं संसदीय सचिव छत्तीसगढ़ शासन, वर्चुअली मंचस्थ श्रीमती अंबिका सिंह देव जी से अनुरोध उद्बोधन के लिए। अनम्यूट कर लेंगे, आवाज आ रही है? जी, आपकी आवाज आ रही है मैम। जी, आज के इस वीसी में उपस्थित हमारे परम आदरणीय सीएम साहब, हमारे जिले के मुखिया परम आदरणीय चरणदास महन जी, सभी मंत्रीगण, परम सम्माननीय रवीन चौबे जी, परम सम्माननीय
प्रेम साय टेकाम जी, हमारे जिले के प्रभारी मंत्री डॉक्टर शिव कुमार डहरिया जी, हमारे यहाँ की सांसद महोदया श्रीमती ज्योत्सना महन जी, सभी विधायक।